कोई कोई कहते हैं कि परमात्मा की साधना में न भक्ति काम आता है, न ज्ञान काम आता है, न ध्यान काम आता है। जो कहते हैं कि ये काम नहीं आता, वे सरासर झूठ है। ये तीनों ही काम आता है। और कहते हैं परमात्मा बुद्धि से परे है, परमात्मा भाव से परे है, परमात्मा इंद्रियों से परे है, परमात्मा शब्दों से परे है। हाँ, परे है, मैं भी बोलती हूँ। पर इसकी साधना के लिए हमें ये सब का ही जरूरत पड़ता है। इसको हम नकार नहीं सकते। हमें दुख तकलीफ पीड़ा तो शरीर में मन में ही होता है, इंद्रियों के कारण ही होता है। परमात्मा जिस अवस्था में है, आत्मा जिस अवस्था में है, पर ये सभी भी उसी का ही अवस्था है। समझ के बिना, बुद्धि के बिना हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। समझ का होना बहुत जरूरी है और भक्ति भी बहुत जरूरी है। भक्ति अर्थात समर्पण। हम में समर्पण ही नहीं है, हम में झुक जाने की भाव ही नहीं है, हम में बस अकड़ है, अहंकार है, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जहाँ जहाँ झुकने की जरूरत पड़ता है, वहाँ हमें झुकना ही पड़ता है। और भाव, भाव के कारण ही तो हम सुखी और दुखी होते हैं। जिस प्रकार के भाव हमारे भीतर होता है, हम भी वैसे ही बन जाते हैं, हम भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं। अच्छे बुरे दोनों ही भाव हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। इसीलिए भाव को समझना बहुत जरूरी है। और ये इंद्रियों के कारण ही हम शरीर में सुख दुख का महसूस करते हैं और मन के कारण पीड़ा भोगते हैं। समस्या आत्मा और परमात्मा में नहीं है। समस्या तो जो दिखाई पड़ रहा है, जो हम जान रहे हैं, उसी में ही है। जिसको जाना नहीं जा सकता, समस्या वो नहीं है। जिसको हम चाहे तो जान सकते हैं, समस्या वो है। लोग बंधन महसूस करता है, दुखी होता है, पीड़ा भोगता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, फिर भी कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए परमात्मा की खोज में निकलता है। इसीलिए वे मुक्ति चाहते हैं, इसीलिए वे जानना चाहते हैं। तो हम परमात्मा को ढूंढने चलेंगे, परमात्मा को जानने चलेंगे, तो कभी नहीं जान पाएंगे। ये संसार, ये जगत, ये शरीर, ये इंद्रिया, ये सभी उन्हीं का ही है। उनका होने से ही सब कुछ है। इसीलिए जो जाना जा सकता है, पहले उसको जानना पड़ेगा। ये भी उनसे भिन्न नहीं है। इसको बुरा कह देना, प्रकृति का जो स्वभाव है उसको बुरा कह देना, पूरा का पूरा नकार देना, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। परमात्मा की अनुभूति करना है, ईश्वर को महसूस करना है, तो पहले हमें जो जाना जा सकता है उसको जानना होगा, समझना होगा। इस शरीर को ही जानना होगा, इंद्रियों को ही समझना होगा, मन को, भाव को, इन सब को ही पहले जानना पड़ेगा। ये सब जानने के लिए समझ और बुद्धि भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। और कोई कोई बोलते हैं कि ध्यान से हम परमात्मा की साधना नहीं कर सकते। हमें परमात्मा की साधना करना ही नहीं है। ध्यान बस
खुद को जानने की विधि है। इंद्रियों से जो हम बाहर की तरफ देखते हैं, ये जगत किस तरह चल रहा है, हम किस तरह चल रहे हैं, बस हम बाहर का भाग दौड़ देखते हैं। शरीर में भी जो इच्छाएं प्रकट होते हैं, वो भी हम बाहर की तरफ ही देखते हैं, बाहर की तरफ ही ढूंढते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये क्यों प्रकट हो रहा है, कहाँ से प्रकट हो रहा है, कारण क्या है, ये हम नहीं सोचते, बस बाहर दौड़ते रहते हैं। और ध्यान ऐसी कला है कि हम भीतर की तरफ देखते हैं। ध्यान से हम परमात्मा को नहीं जानते, ध्यान से हम खुद को जानते हैं। ध्यान खुद को ही जानने का प्रक्रिया है। जैसे कि हम बाहर दौड़ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और अशांत भी हो रहे हैं, हमें लगता है कि अशांति का कारण कोई दूसरे है। हम ज़्यादातर चीज़ों में दूसरों को ही दोष देते हैं, इस कारण हम ज़्यादा परेशान, ज़्यादा अशांति महसूस करते हैं। पर ध्यान में उतरने के बाद हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। ध्यान में उतरने के बाद धीरे धीरे हम बहुत कुछ समझने लगते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं को पकड़ने लगते हैं, हम जानने लगते हैं किस कारण से सारी घटना हो रहा है, इंद्रियां किस तरह काम करता है, शरीर किस तरह काम करता है, मन और भाव किस तरह काम करता है, ये हमें गहराई से मालूम पड़ने लग जाता है। ध्यान स्वयं को ही जानने की विधि है, परमात्मा को जानने की विधि नहीं है। ध्यान में बैठने से पहले जो हम भोग सकते हैं, जो भी विषय हमको लुभा सकता है, उन सब को मन से त्यागना है। जो भी हमें बंधन लग रहा है, जो भी हमारे भीतर धारणाएं हैं, उन सब को भी त्यागना है। जो हम आँखों से देख पा रहे हैं, जो हम बुद्धि से समझ पा रहे हैं संसार की विषय में, और जो हमारे भीतर धारणा है, उन सब को मन से त्यागना है, बाहर कुछ नहीं करना है। ऐसे हम समझ से खुद को तैयार कर ध्यान पर बैठेंगे तो ध्यान जल्दी ही काम करने लग जाएगा। बाहर के प्रति हम वैराग्य हो गए तो भीतर के प्रति हम जल्दी ही प्रवेश कर सूक्ष्म तल पर बहुत ज़्यादा अनुभव करने लग जाएंगे। सूक्ष्म तल पर घटनाएं किस तरह घटता है, वे जल्दी ही समझने लग जाएंगे। जितना हम चीज़ों को समझने लगते हैं, उतना हम और ज़्यादा वैराग्य हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक गलती हो सकता है, जो है हमारा पकड़ने की आदत। जो हमें अनुभव होने लगता है, जो हम जानने लग जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। हमें वे जानकर छोड़ देना है, उसको भी पकड़ना नहीं है, बस चीज़ों को जानना है, उसी को पकड़कर फिर उसी में ही उलझना नहीं है। ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहे, बाहर के साथ साथ हम भीतर की तरफ भी यात्रा करें, तब ये दोनों तरफ की समझ, दोनों तरफ का यात्रा उस अनुभूति तक पहुंचाएगा जहां दो नहीं है और वहां एक भी नहीं है। बाहर शांत, भीतर भी शांत, फिर अपने आप ही घटेगा वे घटना। तैयारी के लिए ही ध्यान, भक्ति, समझ की जरूरत है। जो हम प्रेम, करुणा,
दया की बात करते हैं। ये भी उसी तरफ जाने की एक रास्ता है, एक माध्यम है। इस भाव से जिएंगे तब भी हम उस तरफ बढ़ जाएंगे। कोई भी गुण है वो लक्ष्य नहीं है। आप लोग ये मत समझना कि आत्मज्ञान होने के बाद बहुत करुणावान, दयावान, प्रेमी, बहुत शांत, मीठे आवाज से बोलने वाला ऐसे होते हैं, ऐसा मत समझना। उसके बाद भी कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी जी सकते हैं, क्योंकि बाहर कुछ समझ नहीं आएगा। बाहर देखने से कुछ समझ नहीं पड़ता है, उसके बाहरी गुण से आप उसे जान नहीं पाओगे, क्योंकि सब अनेक प्रकार के धारणा बनाकर बैठे हैं। वे सब के लिए प्रेम करुणा एक माध्यम है। खुद थोड़ा नीचा होकर भी दूसरों को ऊंचा होने देना और उसमें खुशी भी होना, मिटने में मजा आना, खुद को मिटाते जाना। दुख से नहीं मिटाना है, समझ से मिटाना है। दुख से खुद को मिटाते जाओगे तो आप दुखी ही रहोगे, और समझ से ऐसे मिटाते जाओगे तो आनंदित रहोगे। तो हमें किसी भी चीज को नकारना नहीं है, सब परमात्मा का ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस वो ही वो है। सभी अवस्था ही उसी का ही है और वो ही है। वो ही अनेक रूप में, अनेक भाव में प्रकट है। कृतज्ञता भी एक माध्यम है। इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए, इस जगत के लिए, प्रकृति के लिए जब हम कृतज्ञता दिखाएंगे, कृतज्ञता जताएंगे और हम मांगना छोड़ देंगे, तब भी हम उसी तरफ ही बढ़ने लग जाएंगे। कृतज्ञता की अर्थ है कि जो भी हमें मिला है, जो भी हमारे साथ घटता है, उसके लिए हम खुश है, प्रसन्न है। इस भाव से सदा चलना, ऐसे चलकर भी हम उस अनुभूति को पा सकते हैं। जैसे वे अनेक रूपों में प्रकट है, वैसे ही माध्यम भी एक नहीं, अनेक है। जिस तरीके से हर एक इंसान का स्वभाव, बुद्धि अलग अलग होता है, उसी प्रकार से माध्यम भी अनेक है, अलग अलग है। हम अपनी स्वभाव के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, भाव, इंद्रियां, ये सब माध्यम है। इसको नकारना नहीं है, इसकी जो भी गुण है उसको भी नकारना नहीं है। ये सभी गुण माध्यम है, इसको जानना है, समझना है, नकारना नहीं है। और ध्यान ऐसी एक कला है जिसके माध्यम से हम इसको गहराई से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान एक विधि है खुद को जानने का। जब हम बाहर और भीतर खुद को जानेंगे तब हम ये दो से मुक्त हो जाएंगे। जब हम इस तरह से दो से मुक्त हो जाएंगे तब हम शांत हो जाएंगे, शांत भाव में रहने लगेंगे। उसी शांति में ही हम परमात्मा की प्रकट्य को जान पाएंगे, अर्थात महसूस करेंगे, अनुभूति हो जाएगा। फिर आपको उसके सिवाय कुछ और दिखेगा ही नहीं। दृश्य और अदृश्य दोनों ही वही है, प्रकृति और पुरुष भी वही है। इसीलिए किसी भी चीज को नकारना नहीं है। जैसा आपका स्वभाव है आप उसी प्रकार से चल सकते हैं। बस किसी भी चीज को आप जानने लग जाते हो, समझने लग जाते हो
तो उसको पकड़ना नहीं है, उस पर घमंड नहीं करना है, जानना है और छोड़ देना है। जो हमारी पकड़ने की आदत है उसको छोड़कर हमें छोड़ने की तरफ लगना है। बस इतना ही काम करना है।